Okay, so the next topic we have in definite integral is definite integral of even and odd function. ठीक है, तो even and odd function का definite integration समझने से पहले we have another property. We can say that result one of this property is minus a to a. तो ये property हम कब apply करेंगे, जबकि limit जो है वो minus 3 से 3 दे रखा हो या minus 5 से 5 दे रखा हो. ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ वो अल्फा है और यहाँ पर अल्फा है, बट दिस इज माइनस ऑफ अल्फा टू अल्फा. ठीक है बात, तो माइनस ए से ए अगर एफ एक्स डी एक्स हमको पूछा गया है तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स. तो ऐसा तो हम इन जनरल लिख सकते हैं, इसमें तो और कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है. तो इसको हमने बोल दिया लेट से रिजल्ट वन फॉर दिस. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया दिस इज रिजल्ट वन फॉर डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. वो फिर इसका ही एक्सटेंशन है. ठीक है, या फिर इसका ही एक और स्पेशल केस है. तो अगर यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स आपने चेक किया और अगर वो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर आ गया, और इसी का मतलब क्या हो गया कि जो एफ एक्स जो है वो एक इवन फंक्शन है, तो ये जो इंटीग्रल है ये क्या बन गया आपके पास में, एफ ऑफ माइनस एक्स बन गया एफ एक्स. तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स विल बिकम ट्वाइस ऑफ एफ एक्स. तो टू को तो कॉन्स्टेंट है, उसको आप बाहर बैठा सकते हो. तो ये आ गया आपके पास में ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब आपको माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स लिखना होगा तो इसको आप लिख सकते हो जीरो से ए लिख दो आप. तो माइनस ए से ए है तो इसको आप पहले कर दो जीरो से ए, फिर इसको आप लिख दो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. ओके, फिर यहाँ पर अगर एफ एक्स आपने चेक किया, अगर वो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होने का मतलब ये हुआ कि इसमें आर्गुमेंट में एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखने पर आपको वापस से एफ एक्स मिल जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, जो आपके पास में एफ ऑफ माइनस एक्स है वो क्या बन जाएगा, एफ एक्स के बराबर. सो दिस विल बिकम, दिस होल विल बिकम ट्वाइस ऑफ एफ एक्स. तो टू को हमने बाहर बैठा दिया. क्लियर है बात. सो नाउ, और यहीं पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ एक्स है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है. और अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो फिर जो ये इंटीग्रल है आपके पास में माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, दिस इज सिंपली इक्वल टू जीरो. तो आप डायरेक्टली जीरो बोल सकते हो. ठीक है बात, तो माइनस ए से ए एफ एक्स को, तो इसको हमने बोल दिया लेट से रिजल्ट टू. कब, जब ये इवन फंक्शन है, तो इसको आपने बोल दिया लेट से रिजल्ट टू हो जाएगा. कब, इवन फंक्शन है तो आप डबल कर दो. ठीक है, और अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या आ जाएगा, रिजल्ट थ्री इसको आप बोल दो. और ऑड फंक्शन है तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में, सिंपली जीरो. ठीक है बात, अब इसका प्रूफ जो है दैट इज वेरी सिंपल. तो जो रिजल्ट वन है उसके लिए तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको नहीं चाहिए. अगर कोई भी फंक्शन का इंटीग्रल अगर माइनस ए से ए लिमिट है, इस तरह का लिमिट है, फॉर एग्जांपल माइनस थ्री से थ्री है या माइनस फाइव से फाइव है, माइनस सेवन से सेवन है, मतलब कि ओरिजिन के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है जो लिमिट ए वन है इंटीग्रल का, तो फिर उसको हम जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ जैसे कि अगर हमको वी वॉन्ट टू प्रूव दिस कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को वी वॉन्ट टू प्रूव जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये हमको प्रूव करना है. सो वी कैन बिगिन विद लेफ्ट हैंड साइड, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को आप लिख दो, माइनस ए से आप पहले जीरो चले जाओ, एफ एक्स डी एक्स लिख दो, प्लस फिर आप लिख सकते हो जब आप माइनस ए से जीरो पहुंच गए तो अब आप लिख दो जीरो से ए. इस तरह से हम ब्रेक कर ही सकते हैं एफ एक्स डी एक्स. अब ये जो पार्ट है आप बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी आ गया आपके पास में, तो अब ये वाला जो पार्ट है माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स, इसको हमको एफ ऑफ माइनस एक्स से जो है रिलेट करना है. तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इस पार्ट को तो होल्ड पर रख दिया कि जीरो से ये एफ एक्स डी एक्स, इसको आपने होल्ड पर रख दिया. और इस वाले जो पार्ट है इसमें एक्स की जगह पर अगर हम माइनस टी सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमने क्या किया एक्स को माइनस टी सब्सटीट्यूट किया, उससे क्या हो गया ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी. और लिमिट की अगर हम बात करें तो जब एक्स जीरो है तो टी भी जीरो होगा. ठीक है, जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पर जब एक्स जीरो है तो टी भी जीरो है. ठीक है, तो अपर लिमिट तो सेम ही हो गया.
अब लोअर लिमिट में अगर आप देखो तो ये जो जब x माइनस ए होगा तो जब x माइनस ए होगा तो ये माइनस टी, तो t से t कैंसिल, सॉरी t से t कैंसिल नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल, तो t जो है वो क्या हो गया, a हो गया आपके पास, ठीक है। सो बेसिकली अगर हमने x को माइनस टी से रिप्लेस किया है तो अब हमको t की लिमिट चाहिए बेसिकली, तो ये आ जाएगा आपके पास में, जब यहाँ पर ये जब माइनस ए है तो जब एक्स जो है माइनस ए है तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी रखा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये लिमिट आ गई आपके पास में ए, और जब एक्स जीरो है तो टी भी जीरो होगा, तो एक्स जीरो है तो टी भी जीरो होगा, तो लिमिट जो है अब हो गई आपके पास में ए से जीरो, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो एफ एक्स में आपने एक्स की जगह पर रखा है माइनस टी, सो दिस विल बिकम एफ ऑफ माइनस टी, और dt जो है वो आ रहा है एक माइनस साइन के साथ में, तो इस माइनस साइन को अगर हम यहाँ पर लिमिट में ही कंज्यूम करा दें तो ये जो लिमिट आपको a से जीरो दिख रही है विद अ माइनस साइन, इस माइनस को अगर हम यहाँ कंज्यूम करा दें तो नाउ दिस लिमिट विल बिकम जीरो से a, आई होप यू ऑल फॉलो। तो हमने माइनस को कंज्यूम करा दिया और लिमिट आ गई जीरो से a एफ ऑफ माइनस टी dt। ये हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये इस वाले पार्ट की बात अभी, ठीक है। इस वाले पार्ट में ही हमने ये सारे चेंजेस किए हैं, ये पार्ट को तो हमने एज इट इज रखा है क्योंकि ये तो जो हमको चाहिए है उसमें ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये डमी वेरिएबल से हम बोल सकते हैं दिस इज सेम एज राइटिंग जीरो से ए एफ ऑफ माइनस एक्स टी एक्स। अब आप देखो जीरो से ए एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स टी एक्स और जीरो से ए एफ ऑफ एक्स टी एक्स, तो इसको अब हम दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, जीरो से a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x dx। तो अभी क्लियर है बात, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया, आई होप इट्स ओके। नाउ वी वांट टू एक्सप्लेन कि माइनस a से a f x dx जो है उसको हम ट्वाइस ऑफ जीरो से a f x dx लिख सकते हैं क्या, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने सपोज करो कि एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये ऐसा कब हो रहा था, व्हेन, ऐसा कब हो रहा है जब f ऑफ माइनस x जो है f x है, मतलब कि f x जो है वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होने का मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है f x का वो सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। तो अगर कोई ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो सपोज करो कि ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो अगर ये जो ग्राफ है वो अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में, हम बोल सकते हैं यहां से कि अगर हमारे पास में जो लिमिट है वो अगर माइनस a से a जा रहा है, तो लिमिट सपोज करो ये है माइनस a कॉमा जीरो, ये है आपके पास में a कॉमा जीरो। अब ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, क्यों, क्योंकि वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन होने की वजह से जो ग्राफ है वो तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें विच इज वर्टिकल लाइन एंड पासिंग थ्रू a कॉमा जीरो, तो ये लाइन हो गई, और एक और लाइन अगर हम ड्रॉ करें विच इज पासिंग थ्रू माइनस a कॉमा जीरो, सो नाउ वी कैन से, अभी हम ये बोल सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक, मतलब कि माइनस ए से लेकर ए तक का जो एरिया है, एल्जेब्रिक एरिया है, वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। ये जो एरिया है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर हम यहां पर इसको डिनोट करें तो नाउ वी कैन से दिस एरिया, ये पूरा एरिया जो है वो यहां से डिनोट हो रहा है माइनस ए से लेकर ए तक का पूरा एरिया, ठीक है, ये एरिया डिनोट हो गया यहां पर, क्लियर है बात। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो एरिया जो कि जीरो से ए है, मतलब कि यहां पर अगर आप देखो तो ये पॉइंट हो गया जीरो कॉमा जीरो, तो जीरो से ए वाला एरिया, मतलब कि ये एरिया, ठीक है, टू मेक इट मोर विजिबल, ये वाला एरिया जो है और ये जो एरिया, ये दोनों सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं माइनस ए से ए तक का एल्जेब्रिक एरिया देखूं, या फिर मैं माइनस ए से जीरो तक का एरिया देखूं, या फिर मैं जीरो से ए वाला एरिया देखूं और उसको डबल कर दूं, ये एरिया का जो डबल होगा वो पूरा एरिया हो जाएगा। तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जो एल्जेब्रिक एरिया रिप्रेजेंट करेगा, वही सेम एरिया जीरो से ए में एफ एक्स डी एक्स आप इवेलुएट करो और उसका डबल कर दो, तो वो दोनों बात बराबर ही है। तो अगर आपके पास में माइनस ए से ए
एफ एक्स डी एक्स जो है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स वी वॉन्ट टू इवेलुएट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर एफ एक्स जो है वो अगर इवन फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, डबल कर दो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट जो माइनस ए से ए था अभी वो लिमिट जो है वो जीरो से ए में चेंज हो गया, और उस तरह के प्रॉब्लम को वी कैन डील वेरी इजीली। ओके, तो वो आपके पास में एक नया प्रॉब्लम आ गया। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। ओके, सिमिलरली माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो इंटीग्रल जीरो होगा कब, व्हेन व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अगर एफ एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन है, सो नाउ वी कैन से कि अगर एफ एक्स जो है वो कोई अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जो होगा ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा इसका आंसर आप डायरेक्टली जीरो बोल सकते हो। इसके लिए हमारे पास में क्या सपोर्ट है, तो वी कैन से कि भाई जो हमको पता है कि सपोज करो ये आपके पास में एक्स एक्सिस है और लेट से दिस इज वाई एक्सिस वी हैव, और आपके पास में अगर कोई फंक्शन जो है वो फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो उसकी सिमेट्री क्या होगी, उसकी सिमेट्री जो है वो ओरिजिन के अबाउट होगी। तो अगर आपके पास में लेट से इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम कोई कर्व ही देखें इस तरह से, लेट से एक ये कर्व हो गया आपके पास में, ये पार्ट हो गया, और इसी को अगर हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर दें ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। आई होप नाउ दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो ये जो कर्व है ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है मतलब कि ये एक ऑड फंक्शन है। अब आप देखो अगर ये पॉइंट माइनस ए कॉमा जीरो है तो ये पॉइंट लेट से ए कॉमा जीरो है, और अगर हम वर्टिकल लाइंस देखें जो कि ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो से पास कर रही हैं, तो इन दो वर्टिकल लाइंस के लिए हम बोल सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो, तो अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है जो एल्जेब्रिक एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा वाला पार्ट, ये जो आपके पास में एल्जेब्रिक एरिया आ रहा है और ये वाला जो एल्जेब्रिक एरिया माइनस ए से जीरो में, तो अगर ये अल्फा है तो ये एरिया जो है माइनस ऑफ अल्फा काउंट होगा क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल है वो तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ है, तो ये एरिया नेगेटिव में काउंट होगा, ये एरिया पॉजिटिव में, एरिया तो पॉजिटिव ही है दोनों, बट हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक एरिया की क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक एरिया, ठीक है। तो ये एरिया अगर अल्फा है तो ड्यू टू सिमेट्री दिस इज माइनस ऑफ अल्फा, तो अल्टीमेटली सम क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर कोई ऑड फंक्शन की बात हो रही है और ऑड फंक्शन में जो लिमिट्स हैं वो सिमेट्रिकल है, मतलब कि माइनस ए से ए है या माइनस फाइव से फाइव है या माइनस सेवन से सेवन है, ऐसा नहीं होगा कि ऑड फंक्शन बस देख लिया आपने लिमिट पे जाने दिया और आंसर जीरो कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिमिट जो है वो भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि माइनस सेवन से टेन और एफ एक्स डी एक्स और एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो आप बोल दोगे कि एरिया जीरो, नहीं, माइनस सेवन से सेवन एफ एक्स डी एक्स ये वाला जो पार्ट है ये जीरो होगा, फिर आप सेवन से टेन में यू हैव टू इवेलुएट, ठीक है, बात क्लियर है। सो नाउ वी कैन से कि भाई माइनस ए से ए में ये जो पूरा एरिया माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स ने जो एक्स एक्सिस के साथ और x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू ए लाइन के साथ में जो एरिया बाउंड किया, ये टोटल एरिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो ये हो गया टोटल एरिया। अब हमको पता है ड्यू टू सिमेट्री कि ये पॉजिटिव वाला एरिया और ये जो नेगेटिव वाला एरिया है ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, जीरो, ड्यू टू सिमेट्री। तो ये हो गया आपके पास में रिजल्ट थ्री। ओके, सो आई गेस नाउ दिस इज क्लियर, ये हो गया आपके पास में रिजल्ट थ्री। तो अगर आपके पास में बेसिकली अगर माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है तो विदाउट एनी अदर कंडीशन इसको हम जीरो से ए लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, इतना तो हम लिख ही सकते हैं विदाउट एनी अदर कंडीशन। इसके बाद में अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, मतलब कि इवन फंक्शन की बात हो रही है, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, मतलब कि ऑड फंक्शन की बात हो रही है, देन वी कैन डायरेक्टली से कि अगर इवन फंक्शन है तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, टू को आप बाहर रखो इवन फंक्शन के केस में, और ऑड फंक्शन के केस में ये इंटीग्रल जो है वो डायरेक्टली व्हाट वी कैन से इट इज सिंपली जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ
Let's say we want to evaluate integral minus 1 से 1 ln of 3 plus x upon 3 minus x. तो सबसे पहले हमने fx देखा और fx को हमने चेक कर लिया even or odd. तो result 2 और result 3 के लिए हमने क्या किया, इसको, ये जो आपके पास में fx है इसको चेक किया. तो f of minus x रखा, f of minus x जो है वो आ जाएगा आपके पास में ln of 3 minus x upon में 3 plus x. तो इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, ln of हम लिख सकते हैं 3 plus x upon 3 minus x का power minus 1. ln की property से ये minus 1 आगे आ गया and minus of ln of 3 plus x divided by 3 minus x. तो अभी देखो आपने fx जो था वो ये था, अभी ये आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स. तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर आपको क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स मिल रहा है. इसका मतलब कि जो गिवन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और जो लिमिट्स है वो भी सिमेट्रिकल है, लिमिट भी सिमेट्रिकल है. सो नाउ वी कैन से दैट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज जीरो प्रोवाइडेड एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन. क्या ये ऑड फंक्शन है, बिल्कुल है. So now what we can say simply that this integral is equal to 0. तो आपके पास में आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास में simply 0. क्लियर है बात, ऐसा हम क्यों बोल पाए, क्योंकि हमने चेक किया f of minus x बराबर जो है वो minus of fx आ रहा है, मतलब कि ये एक odd function के बारे में बात हो रही है. तो जो भी function होगा अगर हम roughly graph बनाएं तो वो function का जो graph होगा वो origin के about क्या होगा, symmetrical होगा. इस तरह से भी हो सकता है. तो अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जो ये एरिया नेगेटिव में आएगा और ये एरिया जो पॉजिटिव में आएगा, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करके आंसर क्या देंगे, अल्टीमेटली 0. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा आपके पास में, 0. ठीक है. नाउ अभी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमको सॉल्व करना है. एक बार इंटीग्रेशन हमको गिवन है माइनस हाफ से हाफ तो लिमिट है, ठीक है. बॉक्स ऑफ एक्स मतलब कि दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है. तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है. और प्लस एलन ऑफ आर्गुमेंट में है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है. अब आप देखो अगर इसको हम सेपरेट करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस हाफ से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हमने अलग लिख लिया, प्लस माइनस हाफ से हाफ एलन ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स, ये लिख दिया, ठीक है. अब आप देखो ये तो कैसा फंक्शन है, अभी अभी हमने देखा भी है, इसमें जब हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ एलन ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, मतलब कि ये तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, मतलब कि एक ऑड फंक्शन है और लिमिट भी सिमेट्रिकल है. तो माइनस हाफ से हाफ में ऑड फंक्शन का जो dx है उसका तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में, सिंपली 0. तो ये तो हमने रिजल्ट यूज कर लिया डायरेक्टली एंड दिस इज इक्वल टू 0. ये जो वैल्यू है वो क्या आ गया आपके पास में, 0 आ गया. क्लियर है बात. अब यहाँ पे देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है और लिमिट जो है वो है माइनस हाफ से हाफ, ठीक है. तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस हाफ से हाफ लिमिट है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो वैल्यू है, अगर एक्स जो है वो माइनस हाफ से हाफ के बीच में, माइनस हाफ से हाफ के बीच में है, तो आप देखो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस हाफ से जीरो में हम ब्रेक कर लें, माइनस हाफ से हम क्या करें, जीरो में ब्रेक कर लें, और फिर उसको जो है वो हम ब्रेक कर लेंगे इसमें, मतलब इसको अभी हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि भाई इसको हम लिख दें माइनस हाफ से जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टी एक्स प्लस जीरो से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टी एक्स. अब माइनस हाफ से जीरो में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टी एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो बन जाएगा माइनस वन, और जीरो से हाफ में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो बन जाएगा जीरो. क्लियर है बात, आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ ये तो आ गया आपके पास में माइनस हाफ से जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स विल बिकम माइनस ऑफ वन डी एक्स, और आगे हम इसको ब्रेक करेंगे फर्दर सो दिस विल बिकम जीरो से हाफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो. तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, मतलब इसका तो वैल्यू भी क्या हो गया, जीरो हो गया. तो अब आपके पास में इतना ही इंटीग्रेशन बचा है, तो माइनस अगर हम बाहर कर दें सो दिस इज सिंपली एक्स, बट दिस इज नॉट बॉक्स ऑफ एक्स, ये लिमिट वाला ब्रैकेट,
एंड लिमिट इज फ्रॉम माइनस हाफ से जीरो, तो माइनस बाहर ही रहने दिया और अपर लिमिट इज जीरो एंड लोअर लिमिट इज माइनस हाफ, सो माइनस ऑफ माइनस हाफ विल गिव यू हाफ एंड अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ गया आपके पास में माइनस ऑफ हाफ, सो दिस इज अवर आंसर। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल था इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास में माइनस ऑफ हाफ। ये पार्ट तो हमने पहले ही बोल दिया कि ये इंटीग्रेशन जीरो होगा क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके नाउ वी वांट टू इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम माइनस सेवन टू सेवन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन डी एक्स। ठीक है, तब आप देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चेक कर दें, तो इस पूरे को अगर मैं एफ एक्स बोल रहा हूँ, इस पूरे को अगर हम एफ एक्स बोल रहे हैं तो हमने चेक किया एफ ऑफ माइनस एक्स, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, तो साइन ऑफ माइनस एक्स विल गिव यू माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज सिंपली कॉस एक्स एंड टेन स्क्वायर में लिखोगे आप तो टेन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स इज सिंपली टेन स्क्वायर एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ से एक माइनस बाहर आया तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स, ये तो कॉस एक्स बन जाएगा, यहाँ से कोई माइनस बाहर नहीं, यहाँ से कोई माइनस बाहर नहीं और ये तो कॉन्स्टेंट है। तो बेसिकली एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आपके पास में आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब कि ये जो गिवन फंक्शन है आपके पास में दिस इज एन ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर हम लिखना चाहें तो इसका वैल्यू जो है डायरेक्टली हम जीरो बोल सकते हैं प्रोवाइडेड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। सो नाउ वी कैन से दैट द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इज सिंपली आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इज सिंपली जीरो। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, फाइनली जो आंसर है वो आ गया आपके पास में जीरो। आई होप दिस इज क्लियर टू